हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंसेप्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा एकमात्र उद्देश्य आपकी तैयारी को बेहतर और बेहतर करना है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी, जिसके प्रत्येक टेस्ट में 10 से 20 क्वेश्चन होंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम ना केवल उन प्रश्नों के उत्तर दें, बल्कि उन प्रश्नों से संबंधित अधिकतम फैक्ट आपको उपलब्ध कराएं, ताकि आप ना केवल टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को आंक सकें, बल्कि साथ ही आप इस टेस्ट से अपनी तैयारी को बेहतर और बेहतर बनाएं। इस टेस्ट में आपका जितना भी स्कोर हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का आपका टेस्ट ये रहा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है सरस्वती, सिंधु, ब्यास, रावी। तो आइए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले ये दो जो नाम है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, तो प्रश्न ये आना चाहिए मन में कि इन दोनों नामों में उपयुक्त नाम कौन सा है। तो पहले जो भी स्थल इस सभ्यता से संबंधित खोजे गए, वे सभी सिंधु घाटी या सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे खोजे गए। लेकिन बाद में जब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में भी ये स्थल खोजे जाने लगे, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता उपयुक्त नहीं रह गया। इसलिए जो पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया और आज की डेट में वही उपयुक्त नाम है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे और माधव स्वरूप दत्त थे, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की। अगर हम इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें, तो नगरीय स्वरूप और जल निकास प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता थी। इसके कुछ अन्य शहर जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर के किनारे है। घग्गर एक अंतःस्थलीय नदी है जो राजस्थान की नदी है। रोपड़ सतलज के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे, आलमगीरपुर जो कि इस सभ्यता का पूर्वी शहर है या पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी के किनारे, सुतका गेंडोर जो कि पश्चिमी स्थल है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है, मांदा जो कि उत्तरी स्थल है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद दक्षिणी स्थल है अहमदनगर महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, जबकि चहुंदड़ो सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। तो इस तरह इस सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो हमने यहाँ पर प्राप्त की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रावी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था? ऑप्शन है पुर्तगाल, डच, फ्रांस या ब्रिटेन। तो हम पहले जान लेते हैं कि समुद्री मार्ग की जो भारतीय समुद्री मार्ग की खोज हुई वो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केप ऑफ द होप होते हुए कालीकट यानी भारतीय बंदरगाह कालीकट पहुंचा। वहां पर जो कालीकट का शासक था यानी कि जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया, लेकिन वहां पर मौजूद जो अरब व्यापारी थे उन्होंने उसका विरोध किया, क्योंकि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा एक उसका कारण था। अगर हम यूरोपियों के भारत आने के क्रम की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी और अंत में स्वीडिश भारत आए। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या अंग। आइए हम पहले थोड़ा जैन साहित्य के बारे में जान लेते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। और अब हम देख लेते हैं पिछले वर्षों में जो कुछ जैन साहित्य से संबंधित पुस्तकों को पूछा गया है, उसमें थेरावली और प्रबंध चिंतामणि मृतुंग की रचना है, जबकि कल्पसूत्र जो है वो भद्रबाहु द्वारा रचित है। और हम चर्चा कर लेते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों की। तो ज्ञान मीमांसा से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत है वह है स्यादवाद, तत्व मीमांसा से संबंधित अनेकांतवाद और नीति मीमांसा से संबंधित पंच महाव्रत का सिद्धांत जैन धर्म में प्रचलित है, जबकि त्रिरत्न का सिद्धांत भी प्रचलित है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण सम्मिलित है।
इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अंग। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या तुलसीदास। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम थोड़ा पंचतंत्र के बारे में जान लेते हैं कि पंचतंत्र की रचना जो है दरअसल 3री सदी ईसा पूर्व में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी। इसके 5 भाग हैं, जिसमें पहला मित्र भेद, अगला मित्र लाभ काकुलुकियम लब्ध प्रणास और अपरीक्षित कार्यक्रम, जिसमें मित्र भेद का तात्पर्य है मित्रों के आपसी मतभेद से, मित्र लाभ से तात्पर्य मित्र प्राप्ति से, काकुलुकियम का मतलब कौवे और उल्लुओं की कथा, जबकि लब्ध प्रणास का मतलब हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना, एवं जो अंतिम तंत्र है यानी कि अपरीक्षित कार्यक्रम का मतलब ये है कि जो कार्य परखा ना गया हो उस कार्य को करने से बचें। इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा पंडित विष्णु शर्मा। आई होप कि आपने सभी ने सही उत्तर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं दुष्टात्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला। तो आप आंसर सोच सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम थोड़ा मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो दरअसल सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है, जिसके उत्खननकर्ता दरअसल राखलदास बनर्जी थे, जिन्होंने 1922 में इसका उत्खनन किया। और मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। और अगर हम कुछ विशेष खोजों की बात करें जो मोहनजोदड़ो में हुई, तो बृहद स्नानागार और विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई, और सबसे प्रमुख जो है वो नर्तकी की कांस्य मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर की जो यहाँ पर मिली, जिसके आधार पर यह कहा गया कि यह सभ्यता दरअसल कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मतलब ये है कि इस सभ्यता के लोग कांसा बनाने की विधि से परिचित थे। और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मृतकों का टीला यानी कि ऑप्शन डी। आई होप कि आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? आपके ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन मुबारक। तो आप आंसर सोचें। उसके पहले हम थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दरअसल चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर 1296 ईस्वी में सुल्तान बना, और यह हत्या दरअसल उसने कड़ा माणिकपुर क्षेत्र में की थी। उसके बचपन का नाम अली गुरसास था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, इसका मतलब वह दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। सिकंदर का मतलब है कि वह पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने स्थायी सेना रखी और उन्हें नगद वेतन देना प्रारंभ किया। और जब स्थायी सेना रखी तो सेना में भर्ती होने लगे लोग। जब इतनी बड़ी सेना हो गई तो फिर घोड़ों की समस्या आई, तो उसने इस तरह का एक नियम बनाया कि जो भी सैनिक भर्ती होना चाहते हैं वो अपना घोड़ा स्वयं लेकर आए। लेकिन इससे एक समस्या और आई कि एक ही घोड़े को ला लाकर बहुत सारे सैनिक रजिस्ट्रेशन कराने लगे। इस तरह उसने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू करा दी कि जो घोड़ा लाए उसे दाग दिया जाए और सैनिक का होलिया लिख लिया जाए, ताकि उसी घोड़े पर दोबारा कोई दूसरा सैनिक रजिस्ट्रेशन ना करा पाए। इसके अलावा उसे ये लगा कि वेतन मैं कम ही दे पाता हूँ सैनिकों को, तो इससे अच्छा ये है कि मैं बाजार के मूल्य कम कर दूं, जिससे कम वेतन से ही लोगों का काम चल सके यानी सैनिकों का काम चल सके। इसलिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता चलता है। और वह चूंकि पूरे भारत को बल्कि पूरे विश्व को जीतना चाहता था, विश्व से तात्पर्य यह है कि जितना वह सोच सकता था उतना, उसने दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा और इतिहास में उसे 1000 दिनारी के नाम से जाना गया, क्योंकि उसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। अगर हम अलाउद्दीन के स्थापत्य की बात करें तो अलाई दरवाजा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल उसने बनवाया। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर निम्न में से किस नदी के तट पर है?
आपके ऑप्शन हैं कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा। तो आप आंसर सोचें। इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम थोड़ा विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की और इसकी राजधानी हम्पी और राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक अगर हम बात करें तो कृष्णदेव राय था, जो कि बाबर के समकालीन था और 1565 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, जिसके दो अन्य नाम और हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध। इस युद्ध के बाद दरअसल विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और इस साम्राज्य के जो खंडहर हैं वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम इसके प्रमुख राजवंशों की बात करें तो संगम, सालु, तुलु एवं अराबिडु राजवंश विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर तुंगभद्रा सही हो जाएगा। आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम थोड़ा बाबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और भारत में यदि बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में बात करें हम तो उसने 4 युद्ध लड़े और उन 4 युद्धों के क्रम में सबसे पहला और महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया, जिसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। इसमें तुलगमा रण पद्धति का प्रयोग किया गया और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया और इसकी उदारता को ध्यान में रखते हुए काबुल वासियों ने इसे कलंदर की उपाधि दी। अगला युद्ध जो था वो अगले ही साल खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की और इसमें जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। इसके बाद उसका अगले साल चंदेरी का युद्ध उसने लड़ा जो कि मेदिनी राय के विरुद्ध था और एक जो अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध था। इस तरह से ये 4 युद्ध बाबर ने भारत में लड़े। और यदि बाबर की मृत्यु की बात करें तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई 48 वर्ष की उम्र में लगभग, और उसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। उसके बाद उसकी इच्छित जगह काबुल में उसे दफनाया गया। इस तरह से बाबर की कब्र या मकबरा काबुल में है जबकि उसकी मृत्यु आगरा में हुई। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का वर्णन है? आपके ऑप्शंस हैं कुषाण, हूण, अरब या यूनानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम थोड़ा चचनामा के बारे में जान लेते हैं कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इसका लेखक अली अहमद है। इसमें चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को फतेहनामा सिंध तथा तारिक अल हिंद व सिंध भी कहते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरब। और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या फतेहपुर सीकरी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सोचें। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम थोड़ा विजय स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। दरअसल विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था और ये विजय स्मारक के रूप में उसने बनवाया था कि जब महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा एवं गुजरात की सेनाओं पर राणा कुंभा ने विजय प्राप्त की। इस विजय के उपलक्ष में 1440 से 1448 के मध्य इन विजय स्तंभ यानी इस विजय स्तंभ को उसने बनवाया था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर रहा आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देती हैं आगे और वीडियोस बनाने के लिए। इसलिए आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।